हाई एवरी वन वेलकम टू सी बी क्लासेस सो रिविजन शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ आई आर क्वेश्चन की सो so, पहला जो क्वेश्चन है वो है विच इज़ द नियरेस्ट कंट्री टू द सिटी ऑफ खुराई रिसेंटली अटैक बाई द हुतीज ड्रोन अटैक नो हाउ डीज द एक्चुअली अटैक दिस फैसिलिटी ऑयल फैसिलिटी है और ये जो जगह है वो सऊदी अरेबिया में है सो so, क्वेश्चन ये है कि विच इज़ द नीरेस्ट कंट्री सो दिस इज़ वाई दिस दिस विल एक्चुअली टेल यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग और क्वेश्चन केयरफुली ठीक है क्योंकि इसमें खुराइस नहीं पूछा गया उसकी सिटी जो उससे नीयरेस्ट कंट्री है वो पूछा गया सो द करेक्ट आंसर इज़ बहारेन, ठीक है सो ये मैप देखिए मैप में बहारेन ही पड़ती है इसके पास ठीक है ये मार्क की हुई है उसके अलावा येमिन हो गया हमारे पास सीरिया ऑल ऑफ दीज आर राइट उसके बाद अनदर इम्पोटेंट थिंग इज़ दैट इफ़ यू माइट गेट टास्क दिस क्वेश्चन के सऊदी अरेबिया के सराउंडिंग कंट्रीज़ कौन सी है तो वो भी एक बार देख लो जॉर्डन है हमारे पास इराक कुवैत, बहरीन कतर यू ओमान, ठीक है और रेड सी है और आ, हमारे पास पर पर्शियन गल्फ है दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग यू एन एस सी रेजोल्यूशन टू फोर सिक्स टू ये रेजोल्यूशन जो है ट्वेंटी नाइनटीन में पास की गई थी और ये एक तरह से टेररिज्म फाइनेंसिंग को बहुत ही ज़्यादा सीरियस क्राइम बता बनाती है इट इज़ अ बाइंडिंग रेजोल्यूशन जो कि ड्राफ्ट की गई है अंडर चैप्टर सेवन ऑफ यू एन चार्टर ठीक है एंड इट इज़ और जो कंट्री कंप्लाई नहीं करेगी इट कैन बी बैक विद सेंक्शंस आप उस यू uh, एन उस कंट्री के खिलाफ सैंक्शंस लगा सकती है और ये इन सिंक है एक और ऐसी सिमिलर रेजोल्यूशन के जो कि रेजोल्यूशन 1373 है जो कि पास की गई थी आफ्टर द नाइन इलेवन अटैक्स राइट दिस इज़ मोडर लेस जो आपको पता होना चाहिए और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वन फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज करेंटली हैव लॉस विच लेबल टेरर फाइनेंसिंग अ क्राइम दे नेक्स्ट इज रिगार्डिंग आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 ये जो ट्रीटी है ये कहती है कि पीसफुल यूज़ होना चाहिए ऑफ द स्पेस ठीक है बट इट ओनली प्रोहिबिट्स द वेपन्स ऑफ़ मास डिस्ट्रक्शन और न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम बींग प्लेस्ड इन द स्पेस ठीक है सो ये एक तरह से गलत हो जाता है पहला पार्ट इसका सही है देन इट फॉरबिट्स एनी कंट्री टू क्लेम अ सेलेस्टियल रिसोर्स अलिस्टियल मून और अ प्लान दिस इज करेक्ट इट ऑल्सो डिफाइंस दी कार्बन लाइन विच इज बिटवीन अर्थ एटमोसफेयर एंड आउटर स्पेस देखो ये जो लाइन है ये है अर्थ एटमोसफेयर और आउटर स्पेस के बीच में लेकिन ये लाइन डिफाइंड नहीं है ठीक है सो अभी भी वेग है देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग न्यू मोर आइलैंड ये है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था और जो पर्मानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसने हक हाँ, uh, फैसला बांग्लादेश के फेवर में दे दिया एक तो आपको न्यू मोर आइलैंड के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए इसे साउथ ताल पट्टी भी कहते हैं और ये अन इनहैबिटेड ऑफ श्योर सैंड आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में अगर आपने नीचे मैप देखा हो तो सुंदरबंश के ही नीचे है ठीक है ये बेसिकली बे ऑफ बंगाल में मर्ज हुआ था एज एन आफ्टर मर्थ ऑफ साइक्लोन इन नाइनटीन एंड देन इट डिसअपयर्ड वो दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था लेकिन पी आ, जो हमारे पास परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उन्होंने वर्डिक दे दिया था इन फेवर ऑफ बांग्लादेश देन नेक्स्ट इज़ फर्स्ट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म एंड स्ट्रेंथनिंग इनिशिएटिव इज़ वर्किंग अंडर एजेस ऑफ आई एम एफ एंड वर्ल्ड बैंक और ये एक तरह से सपोर्ट करता है फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी को और डेवलपमेंट को एंड यू नो सो यहाँ पे आंसर वर्ल्ड बैंक होना चाहिए ये गलत है और दूसरी चीज़ ये है कि ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है मेजरली टू द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स अब जो फर्स्ट है ये 2002 में इस्टेबलिश किया गया था अब ये फर्स्ट 2.0 की तरफ मूव कर रहा है सो so उस में भी इट विल हैव वेरियस थेमेटिक एरियाज थीम्स होंगी एंड दे विल भी मोस्टली केटरिंग टू द फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ओनली राइट ओके दैन आर्टिकल फिफ्टी इज़ ऑफन इन न्यूज़ इज़ अ क्लॉज इन द ट्रीटी ऑफ ऑन यूरोपियन यूनियन एंड इट रिलेट्स विद वॉट इट रिलेट्स विद विद्रॉल फ्राम द यूरोपियन यूनियन ठीक है और ये इसी लिए न्यूज़ में रहता है क्योंकि यू के इज़ विदड्रॉइंग सो यू के बिकम्स द लेटेस्ट कंट्री टू विदड्रॉ और क्रोएशियन थी जो एड हुई थी दो हजार तेरह में दैट वॉज द लेटेस्ट कंट्री टू बी एडिड और यू में अब सताईस मेम्बर्स हैं ठीक है दे नेक्स्ट इज रिगार्डिंग नेशनल असेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कंपाइल अ लिस्ट ऑन असेंशियल डायग्नोस्टिक्स और ये जो है ये विलेज टिल द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करेगी एंड नॉट परस इन द टर्शरी सेक्टर ठीक है और ये आई सी एम आर ने बनाई है एंड इट एम्स टू ब्रिच द रेगुलेटरी गैप क्योंकि वो जो uh, मेडिकल डिवाइसेस हैं और डायग्नो विट्रो डायग्नोस्टिक डिवाइसेस है ये कवर्ड नहीं थी अभी रेगुलेशन uh, के अंडर नहीं थी तो इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा बढ़ा के बेचे जाते थे तो अभी ये अंडर आ गई हैं ठीक है देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कोल्ड इन इंडिया तो ये कुछ साइंस के क्वेश्चन हैं बीच में सो अराउंड नाइन्टी एट परसेंट ऑफ कोल रिजर्व इन इंडिया आर ऑफ़ यंगर एज ये गलत है नाइन्टी एट परसेंट जो है वो गोंडवाना कोल है विच इज टू फिफ्टी मिलियन ईयर्स और ओल्डर जो यंगर है जो कि फिफ्टीन टू सिक्सटी मिलियन ईयर्स में आता है ठीक है दैट इज़ नोन एज टर्शरी कोल और वो हार्डली टू परसेंट है ठीक है नेक्स्ट स्टेट में इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड इम्पोर्टर ऑफ कोल दैट इज करेक्ट राइट सो इफ यू एक्चुअली सीधी मैप चाइना नंबर वन पे है ठीक है और जो इंडिया है वो नंबर टू पे है एसपर्गस इस्पर्गस सिंड्रोम इज़ अ पार्ट ऑफ ऑटोइम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और इसमें ना द तो जो बच्चा होता है क्योंकि मोस्टली बच्चों में डायग्नोज होता है ये तो ये एक तरह से इमोशनली uh, विड्रॉन होता है इमोशंस नहीं होती है बच्चों में एंड दे फील वेरी ऑकवर्ड ठीक है सो ये एक तरह से सोशल इंटरैक्शन की प्रॉब्लम है ठीक है देन uh, प्रेटोमियट अगर आपने इन्वायरमेंट का देखा है आपको पता होगा इट इज़ अ न्यू एंटी टी बी ड्रग टी बी के अगेंस्ट यूज़ होगा मोस्टली अगेंस्ट जो मल्टी ड्रग और एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टी बी है थर्ड एंटी टी बी ड्रग है जो अप्रूव किया है एफ डी ए ने और उससे पहले बेटा खुली ने लाइन जोलेड हो गए तो ये तीनों ही uh, जो ड्रग्स हैं ये एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टी बी में यूज़ होंगे देन नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग क्लास ए पॉइजन क्लास ए पॉइजन होता है एक्सट्रीमली डेंजरस इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है फॉस्टीन हाइड्रोसाइनिक एसिड साइनोजन एंड नाइट्रोजन पर दे नेक्स्ट इज मोमी इज़ अ मेलवियर विच हैज़ बीन रीसेंटली डिटेक्टेड दो हज़ार सत्रह में ये पहली बार रिपोर्ट हुआ था लेकिन अभी तक ये इन्फेक्ट कर रहा है कंप्यूटर्स को और ऐसा माना जाता है कि अगस्त ट्वेंटी नाइन्टीन में इसने से फोर्टी सेवन हंड्रेड कंप्यूटर्स को रोस्ट इफेक्ट किया है ठीक है एंड इट रिलाईज ऑन ट्वेंटी डेडिकेटेड सर्वर मोस्टली इन यू एस बट मलेशिया और बल्गारिया में भी हैं ठीक है देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानट्स डज नॉट हैव अन इन मे से तो मर्कुरी देन दोनों मिलाई इन कर्नाटका इज फेमस फॉर माइनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स ये भी काफी फैक्चुअल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आयरन है इसका आंसर दैन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग काउस मिल्क काउस मिल्क द ग्लोबल ट्रेंड टू क्लासीफाई मिल्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बीटा के सीन तो हमारे पास ना ए वन ए टू करके कैटेगरीज है ठीक है सो बीटा के सीन पर ही डिपेंडेंट है वो और दूसरा है द मिल्क ऑफ इंडियन नेटिव काउ ठीक है ए टू होता है हमारे में मोस्टली दैट इज सिमिलर टू द मदर्स मिल्क ठीक है सो ए टू इज प्रेफर्ड ओवर ए वन बिकॉज ऑफ इच सिमिलैरिटी विद द मदर्स मिल्क ठीक है और इंडियन कैपिटल का भी जो मिल्क है वो ए टू की तरह है ए टू कंटेन ए टू बीटा के सीन ठीक है उसके बाद क्रायोपर्जेशन में दोनों कैसेज यूज होती हैं राइट देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री स्टेट इन डब्ल्यू टी ओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पहला स्टेटमेंट है डब्ल्यू टी ओ अग्रीमेंट्स प्रोवाइड सच द स्टेटस कंट्री इन डब्ल्यू टी ओ इज़ बेस्ड ऑन सच स्टेटस बिंग रेकग्नाइज बाई यू एन सो दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट मेजरली जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना उनका स्टेटस हैज़ टू बी रिकोगनाइज बायू एन कंट्रीज सेल्फ डेजिग्नेट दर स्टेटस इन डब्ल्यू टी ओ जो डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं ना वो सेल्फ डेजिग्नेट करती हैं जो एल डी सीज होती हैं उनका यू एन से अप्रूवल होता है ठीक है सो पार्शली बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हम इनको गलत तो नहीं बोल सकते राइट साउथ अफ्रीका रिसेंटली गेव अप इट्स डेवलपिंग कंट्री स्टेटस साउथ कोरिया एंड यू नो वो डेवलप्ड कंट्री में आ गई देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसमें है इट इज़ एस्टैब्लिश टू मोबलाइज मोर देन हंड्रेड बिलियन डॉलर इन टू द सोलर पार एक्चुअली इट इज थाउजेंड बिलियन डॉलर्स और आई ए सी डायरेक्टली फंड नहीं करेगा वो फंडस को मोबिलाइज़ करेगा मे बी बाईलेट्रल ऑर्गेनाइजेशन से या मल्टीलेट्रल ऑर्गेनाइजेशन से सो सेकेंड इज करेक्ट फर्स्ट इज रॉन्ग देन स्टेट ऑफ टार्टोरी किसके बीच में है सी ऑफ जपैन एंड सी ऑफ ऑक हॉट्स के बीच में ठीक है और अगर हम बात करें सी ऑफ मारमरा और ब्लैक सी बोस्पोरस स्ट्रेट साउथ चाइना सी एंड अंडमन सी मलाका जो कि हमने अभी पिछले पार्ट में भी किया है कि मलाई पेनसुला और सुमुत्र पार्ट ऑफ इंडोनेशिया को कनेक्ट करता है अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड के बीच में भी है समथिंग नोन एज क्रा एस्तमि और क्रा कनाल राइट देन इमिशन स्कैप रिपोर्ट यू निकालता है सो so, ये जो रिपोर्ट है ये आपको बताता है कि कितना गैप है कि जो हमें वन पॉइंट फाइव या टू डिग्री सेल्सियस तक अगर हमें uh, रोकना है क्लाइमेट uh, चेंज को ग्लोबल वार्मिंग को तो हमें कितना एमिशंस को रिड्यूस करना चाहिए ठीक है और हमारे जो करंट एक्शंस हैं वो कितना रिड्यूस कर रहे हैं सो व्हाट इज़ दी डिफरेंस बिटवीन दी करंट एक्शंस टू रिड्यूस दी गैसेस एंड व्हाट इज़ नीडेड टू मीट द टारगेट तो उसको इमिशन कैप कहते हैं और वो बढ़ता ही जा रहा है सो दिस रिपोर्ट इज़ एन एनुअल फीचर बाय यू एन ई पी देन शेगोस आके पहले ले जो मॉरिशस uh, और यू के का इस पर डिस्प्यूट चल रहा है सो इट वॉज़ इनिशियली ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी ठीक है सेंट्रल इंडियन ओशन में है ये और इसका जो डायगो गारशिया करके एक इसका आइलैंड है जहाँ पर मिलिट्री यू एस मिलिट्री का एयरबेस भी है सो दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ शागोस आके भी लगो और इसके uh, बीच में मॉरिशस और यू के बीच में इसको लेके डिस्प्यूट है देन यू एस ने कुछ सैटेलाइट सिस्टम्स को नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम्स को एलाइट के अंडर रखा था सो so, उसमें नाविक uh, और गलीलियो है ग्लोनास और बेडो नहीं है रशियन और चाइनीस नहीं है ठीक है उसमें हमारे पास इंडियन नाविक एंड गलीलियो ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड क्यूज एसएस ऑफ जापान है देन नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग दी वॉल और ये कहाँ पर सिचुएटेड है स्ट्राम्बोली इटली अना कराकटोआवा इंडोनेशिया वाइट आइलैंड जिसको uh, वाखरी भी कहते हैं इज़ इन न्यूजीलैंड ठीक है सो so, ये कुछ जगहें हैं माउंट एटना स्ट्रॉम्बली जिनमें वॉल्कैनिकॉप्शंस हुआ है ट्वेंटी में ठीक है अना कराकटोवा इन इंडोनेशिया माउंट सिनाबंग मैक्सिको में पॉपोकेट पेटल और न्यूजीलैंड में वाइट आइलैंड या वाखारी देन सार्क सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है काठमांडू इन नेपाल प्रीवियस पार्ट में भी हमने डिस्कस करा है कि आठ मेंबर स्टेट्स हैं और बाइनली समिट्स होती हैं ये दो साल में एक बार लेकिन अभी जो लास्ट है वो 2014 में काठमंडू में हुई थी देन नेक्स्ट इज़ विडोइन बिडोइन इज़ एन अरबिक स्पीकिंग नोमैटिक कम्युनिटी और वो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई आई टी बॉम्बे ने सोलर पार्ट लैम्स किए थे यहाँ पर कुछ बच्चे हैं उनको ठीक है दैट इज़ बाई इट हैज़ बीन इन न्यू सो दिस वॉज रिगार्डिंग द सेकेंड पार्ट थैंक यू